उत्तराखंड के डोईवाला में कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने शिरकत कर लाखों रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। उत्तराखंड अल्पसंख्यक विभाग डोईवाला जिले में लगातार विकास योजनाओं की सौगात दे रहा है, जिसमें डोईवाला के ग्रामीण इलाकों की सड़कों का निर्माण, गुरुद्वारा सौंदर्यकरण व कब्रिस्तान की चार दीवारी के अलावा अन्य विकास योजना शामिल है। अल्पसंख्यक विभाग ने नूनावाला गुरुद्वारा में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास व हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने शिरकत कर लाखों रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों में लगातार विकास काम कर रही है, जिसमें गुरुद्वारा के सौंदर्यकरण, सीसी मार्गों के निर्माण के अलावा कब्रिस्तान की चार दीवारी व मदरसों को सहायता राशि दिए जाने का काम शामिल है और इसी सिलसिले को जारी रखते हुए लाखों रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया गया। अभी तक हमारे विभागों की परंपरा रही है कि हम कब्रिस्तानों का और अल्पसंख्यकों के अन्य कार्यों का हम सौंदर्यकरण कराते थे, मगर मेरा मानना है कि अल्पसंख्यक विभाग में वो चाहे हमारे गुरुद्वारे हों, चाहे जैनों के मंदिर हों, चाहे अन्य मंदिर हों, इनका भी सौंदर्यकरण होना चाहिए। विगत वर्ष भी धनराशि दी गई थी और इस वर्ष हम लोगों ने काफ़ी धनराशि ऐसे गुरुद्वारों के निर्माण के लिए की है। उसका मेरा एक मानी किस्त हमने 80 लाख की दी हुई है और मैंने बताया है कि अगर और आवश्यकता पड़ेगी तो और भी उसमें बढ़ाया जा सकता है, धनराशि की कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।